आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे एक शानदार स्टॉक के बारे में जिसने आपको कहूंगा पर शेयर होल्डर को ₹20 का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। जो भी यहाँ पर डिविडेंड का फायदा उठाना चाहते हैं दोस्तों उनको कहूंगा 23 जनवरी से पहले खरीदेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और साथ साथ आपको कहूंगा किस दिन यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में डिविडेंड जमा होने वाला है उसके बारे में बात करूंगा। और यहाँ पर स्टॉक में भी कितना दम है उसके बारे में देख लेते हैं। और बाद में से आपको दोनों तरफ से फायदा होगा, एक तो डिविडेंड का और साथ साथ प्राइस भी बढ़ेगी तो उसका भी फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक के वैल्यूएशन की बात करें तो आप कहूँगा बहुत ही बढ़िया तरीके से वैल्यूएशन पर स्टॉक ट्रेड करते नजर आता है। वैल्यूएशन जितना सस्ता होगा उतना हमारे लिए बढ़िया बात होगी। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कुछ 100-200 की चीज़ आपको 70-80 रुपये में मिल रही है तो उसमें क्या दम है, और साथ साथ वो चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए इसको भी देखना पड़ेगा। उसी तरीके से शेयर भी आपको सस्ते मिलेंगे दोस्तों, बट उनमें क्या बेनिफिट है, कंपनी के कौन से बिजनेस है उनको देखकर ही आप डिसीजन लेंगे तो बेनिफिट में रहेंगे, तगड़ा पैसा बनेगा। और वैल्यू इन्वेस्टिंग को जो फॉलो करते हैं वो पैसा बिल्कुल कमाते रहते हैं। यहाँ पर रिटर्न के मामले में देखेंगे शेयर ने बिल्कुल कोई कमी नहीं रखी है, रिटर्न भी अच्छा खासा स्टॉक कमा के देता है। एक साल में आपको कहूँगा 100% बोले तो आपके पैसे दुगने हो रहे हैं। आप यहाँ पर 100 रुपये लगाना, अगले साल देखना 200 रुपये हो रहे हैं। इस चीज़ को आप देख सकते हैं रिटर्न के मामले में यहाँ पर कंपनी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो आपको कहूँगा बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी, छोटी कंपनी है, 114 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और कर्जे के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, डे फ्री कंपनी, बढ़िया बात है। कंपनी के बारे में आप देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 51% की है तो कोई भी यहाँ पर ऐसा इशू नहीं कि प्रमोटर की होल्डिंग कम है बोलकर, ये तो अच्छी बात नज़र आती है कंपनी के जो प्रमोटर के पास 51% का स्टेक है बोलकर। अब यहाँ पर निकली पर बात करते हैं कंपनी के वॉल्यूम के बारे में, आप खुद देख सकते हैं। आपको कहूँगा पहले देख लीजिए, जैसे कि एक महीने पहले की बात करूँगा 5 लाख क्वांटिटी, बाद में से देखेंगे यहाँ पर बढ़कर एक वीक में 12 लाख क्वांटिटी, और अभी देखेंगे टूडेज की बात करें तो 20 लाख 15 लाख क्वांटिटी उठाई जा रही है मार्केट से, लैक्स में क्वांटिटी उठाई जा रही है। और दोस्तों कहूँगा इसका मतलब क्या है तो स्टॉक में परफॉर्मेंस आने वाला है और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बोलते तो स्टॉक ने जैसा परफॉर्म करना चाहिए था अभी तक उतना परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाया नहीं, इसी वजह से इतना वैल्यूम नजर आता है। यहाँ पर आप खुद देखेंगे तो लगातार यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टर इसमें स्टेक बढ़ाते नजर आ रहे हैं। वजह एक ही है कि कंपनी का बिजनेस यहाँ पर एयरलाइंस रिलेटेड बिजनेस चलता है तो इस वजह से इसका यहाँ पर दम नजर आता है। यहाँ पर हम कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के रिजर्व में भी कहूँगा कमी नहीं है, कंपनी ने कमाई में भी ग्रोथ करके दिखाई है, 23 करोड़ से बढ़कर 45 करोड़ और 45 करोड़ से बढ़कर 47 करोड़, तो करोड़ों में जितनी छोटी कंपनी उसी हिसाब से उसका भी रिजर्व ही रहेगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक छोटा है, आपको कहूँगा प्राइस के मामले में आपको स्टॉक थोड़ा बहुत महंगा लगा जाएगा, बट यहाँ पर कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से स्टॉक सस्ता है। और जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे उसके बारे में कहूँगा कि जो भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक में वो यहाँ पर सोच सकते हैं, यहाँ पर खास कर जो रिस्क लेने की काबिलियत रखते हैं उनके लिए तो आपको कहूँगा ऐसे स्टॉक से आप दूर भी रहेंगे तो चल जाएगा। बट यहाँ पर स्टॉक में दम इतना दोस्तों है कि डिविडेंड दे रहा है और साथ साथ इतना छोटा होने के बाद बड़े बड़े धमाके करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर फॉरेन निवेशक ने फ्रेश बाइंग करी है दोस्तों, आपको कहूँगा दिसंबर में यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं 0.97% का स्टेक खरीद कर देखा है। बाकी यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी नहीं है ना यहाँ पर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आपको खाली यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्टर पब्लिक होती है वही दिख जाएगी 47% की। यहाँ पर कंपनी का नाम है, देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, कंपनी एयरलाइंस रिलेटेड बिजनेस करती है। यहाँ पर टाल इंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर आपको ये भी दिख जाएगा कंपनी ने ₹20 का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। और यहाँ पर उसके डेट के बारे में देखना चाहेंगे तो दिख जाएगा, देखिए 23 जनवरी से जो भी पहले यहाँ पर खरीदेंगे उनको बेनिफिट मिल जाएगा। और यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में कब जमा हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर शेयर होल्डर के यहाँ पर बिफोर द 20 यहाँ पर 14 फरवरी से पहले आपके यहाँ पर बैंक अकाउंट में ये डिविडेंड जमा हो जाएगा। जो भी बेनिफिट कमाना चाहेंगे वो अच्छी खासा यहाँ पर खरीद सकते हैं स्टॉक को और बड़े तरीके से बेनिफिट कमा सकते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको कहा एयरलाइंस रिलेटेड बिजनेस करती है कंपनी और बड़े तरीके से ग्रो करके भी दिखा रही है। और छोटी कंपनी तो आप क्या कहूँगा, बिल्कुल यहाँ पर इस पर नज़र रख सकते हैं, बेनिफिट कमाना चाहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी रेवेन्यू में आपको कहूँगा उतनी कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई है, बट यहाँ पर 2016 से देखेंगे तो 2019 तक स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्म किया था। 2020 में जैसे आप सभी जानते हैं कि प्लेन सेटेड जितने बिजनेस थे कोविड-19 की वजह से बंद थे, यहाँ पर आपको प्रॉफिट में कमी आती हुई दिखी है, नहीं तो कंपनी ने पिछले कुछ सालों में परफॉर्मेंस में बिल्कुल अच्छा ग्रोथ दिखाई है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एनुअल जो यहाँ पर रिजल्ट है उसमें बताना चाहूँगा, कोविड-19 यहाँ पर स्टार्ट हुआ था उसी तरीके से यहाँ पर आपको रिजल्ट पर भी असर होते हुए दिख जाएगा, कंपनी का परफॉर्मेंस में भी कमी बिल्कुल आ जाती है। यहाँ पर जैसा बिजनेस रहा उस टाइप में यहाँ पर कंपनी के परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे तो कंपनी के यहाँ पर शेयर का प्राइस देख सकते हैं कितना है तो लगभग 368 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है
और लगातार अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ दिखा रहा है। 6 महीने में देख लीजिए 250% के करीब के यहाँ पर रिटर्न दिए है। अच्छा खासा बात है दोस्तों, जो भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे उनके लिए बढ़िया बात रहेगी, यहाँ पर बेनिफिट भी मिल जाएगा। थैंक यू।